नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो हमारे अगला टॉपिक के ऊपर है, स्पीकर रिंगर। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो स्पीकर रिंगर के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये आपके मोबाइल फोन में स्पीकर लगा हुआ है, ये आपके मोबाइल फोन में स्पीकर है और ये आपके मोबाइल फोन में रिंगर लगा हुआ है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, स्पीकर अलग होता है, रिंगर अलग होता है। स्पीकर रिंगर दोनों मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा जो टॉपिक है स्पीकर रिंगर के बारे में है, हम लोग स्पीकर रिंगर के बारे में सीखेंगे। दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। यहाँ पर मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का कंप्लीट हम लोग सफर तय करते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने अगले टॉपिक ऊपर चलते हैं। तो हम लोग सीखते हैं कि स्पीकर रिंगर क्या होता है, स्पीकर रिंगर कैसे काम करता है, उसको कैसे मोबाइल फोन में पहचानते हैं। ये जितने भी सारी जो मैं बेसिक की वीडियो बना करके दे रहा हूँ, ये दोस्तों मैं उन स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ जो बिल्कुल इस लाइन में, रिपेयरिंग के लाइन में बिल्कुल जीरो है। आज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग भी रिपेयरिंग कर रहे हैं जो आधार कार्ड है, जन सेवा केंद्र है, या फोटोकॉपी का, जीरोक्स का काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम कर रहे हैं, या इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन अगर वो देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन के लाइन में बिल्कुल जीरो है। वो मोबाइल फ़ोन को खोलते हैं, पैक करते हैं, उसमें आने वाली प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पाते कि कैसे ठीक हो गया, कैसे चालू हो गया हमसे फ़ोन, या स्पीकर ठीक कर दिया, माइक ठीक कर दिया, लेकिन उन खुद नहीं समझ में आता। तो सर ये मैं वीडियो आज मैं उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ ताकि वो लोग जो बेसिक टेस्टिंग है वो कम से कम तो चालू कर सकें। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स आते हैं, कंपोनेंट कौन सा कैसा होता है, स्पीकर क्या है, माइक क्या है, रिंगर क्या है, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, बोर्ड के अंदर कितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, वो सारे कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके वो सारा वीडियो देखते हैं और वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। और वो लोग मुझे एक पॉजिटिव मैसेज भी करते हैं कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा सीख रहा हूँ, मुझे समझ में भी आ रहा है, हमें भी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर स्पीकर रिंगर की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। स्पीकर रिंगर हम आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से एक एक करके समझाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। आप इसको वीडियो में अच्छे से समझें और जो भी वीडियो मैं आपको देता हूं इनके कॉपी पेन डायरी अपना बना लीजिए ताकि अच्छे से नोट करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आएँ। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा देखें, और एक बार अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, वीडियो देखेंगे, उसको लिखेंगे ना, तो मैं आपको वाकई कहता हूँ आपको सीखने में बड़ा मज़ा आएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज देता है। स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज़ देता है। स्पीकर रिंगर का काम क्या होता है? मोबाइल फ़ोन में आवाज़ देना, मतलब हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आवाज़ आती है, जो वॉइस आती है, साउंड आता है, वो कहाँ से आता है? स्पीकर रिंगर से आता है। तो स्पीकर रिंगर एक पार्ट होता है जिसका काम होता है मोबाइल फ़ोन में आवाज़ देना। स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज़ देता है। हम बात करेंगे रियल से। रियल शेप का मतलब होता है बोर्ड में दिखाई कैसे देता है। अगर आप उसको पीसीबी में बात करेंगे तो पीसीबी में वो कैसा दिखाई देता है, उसको पहचानेंगे कैसे। स्पीकर जो होता है ये दो पॉइंट का होता है, या ऊपर साइड वॉइस कॉलिंग देता है, ये क्या काम करता है? ऊपर साइड लगा होता है,
और वॉइस कॉलिंग देता है। वॉइस कॉलिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर आप उस मोबाइल फोन में बात करते हैं तो जो ऊपर के साइड लगा होता है वो हमारा स्पीकर होता है। जैसे मैं अगर इस बोर्ड की बात करता हूँ तो इस मेरे मोबाइल फोन के अंदर जब मैं इसे ऊपर की तरफ ऐसे बात करूँगा तो ये जो ऊपर की साइड लगा होता है ये हमारा इसका स्पीकर है। स्पीकर खराब हो जाएगा तो बात नहीं होगी, तो ये ऊपर साइड स्पीकर लगा हुआ है। उसके बाद एक साइज में बड़ा होता है, इसको हम लोग रिंगर बोलते हैं। यह सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर देता है। रिंगर, रिंगर क्या होता है? यह सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर देता है। इसका काम क्या होता है? गाने बजना, म्यूजिक देना, लाउड स्पीकर देना, ये सारा इसका काम होता है। स्पीकर क्या होता है? यह ऊपर साइड लगा होता है, वॉइस कॉलिंग देता है। रिंगर यह सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर देता है। इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है SPK लिखा होता है। सिंबल, सिंबल का मतलब होता है जो इसका निशान, इसका इस तरीके से ऐसा लाउड जैसा सिंबल बना होता है। इसका वर्क होता है यह इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलना। इसका काम क्या होता है? हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं उस मोबाइल फोन के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल लगे होते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल बदलता है। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में? इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलना। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या इलेक्ट्रिक सिग्नल जो आते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलने का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे इसकी टेस्टिंग की, किसका हम लोग मदरबोर्ड में टेस्टिंग कैसे करते हैं। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड दे ओके। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड दे तो ओके। इसे जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर क्या देगा? बीप साउंड देगा तो सही है। फॉल्टी, बीप ना दे तो खराब है। अगर आप इसको चेक करते हैं और चेक करने पर अगर बीप नहीं देता तो ये खराब है। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड दे तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। दूसरी बात होती है फटी फटी आवाज दे, तो खराब है। अगर इसे चेक करोगे, चेक करने पर इसमें फटी फटी आवाज आती है, जैसे आप चेक करते हो, चेक करने पर फटी फटी आवाज आती है तो भी हमारा क्या है? खराब है। तो जो हम लोग इसको चेक करते हैं तो स्पीकर रिंगर एक पार्ट है जो आवाज देता है। यह स्पीकर यह ऊपर साइड लगा होता है, अगर आप देखेंगे यह ऊपर साइड लगा होता है, वॉइस कॉलिंग देता है। ये जो दो पिन का होता है यह रिंगर होता है, यह सॉन्ग म्यूजिक लाउड स्पीकर देता है। डिनोटिंग लेटर इसका SPK होता है। सिंबल इसका ये होता है। इसका वर्क होता है यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड सिग्नल बदलना। इसका काम क्या होता है मोबाइल फोन में? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलना। टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर का बीप पॉइंट पर सेट करते हैं, चेक करने पर बीप साउंड देता है तो सही है, बीप साउंड नहीं देता तो खराब है।
तो ये हमारा जो स्पीकर लगा होता है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में पाया जाता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको गूगल पे इसके इमेजेस दिखाता हूँ कि कैसा आपके मोबाइल फोन में दिखाई देगा और आप इसको मोबाइल फोन में कैसे पहचानेंगे। फिर मैं इसको बोर्ड में आपको वन बाई वन करके मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप इसको बोर्ड में देखेंगे तो ये प्लेट में ऐसा दिखाई देता है। इसके बहुत सारी अलग अलग डिजाइन्स आती हैं। ये देखिए, कई सारी अलग अलग, वायर वाला भी होता है, बिना वायर वाला भी होता है, टच वाला होता है। अगर आप प्लेट में देखेंगे तो कई सारी अलग अलग तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में तुम्हारे स्पीकर पाया जाता है। अब जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आते हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में पूरा स्पीकर रिंगर एक पैक डिब्बी की तरह आता है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसके डिब्बी आती हैं, ये पूरा डब्बी का डब्बी आता है और वो ये पूरा चेंज हो जाता है। इसका अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो समथिंग 80 रुपये का आता है, लेकिन ये जो बोर्ड में जो लगा होता है ये तुम्हारा 20 रुपये से लेकर के 40 रुपीज़ तक का आता है। ये पूरा डब्बी होता है, ये पूरा पैक होता है स्पीकर। तो ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में स्पीकर ना हो। अगर स्पीकर ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आएगी, सुनाई नहीं देगा, या ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारी उस कंडीशन पर हमारा स्पीकर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। स्पीकर का टेस्टिंग होता है जब आप स्पीकर के दोनों पॉइंटों को चेक करते हैं। जब इसके जो दोनों पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंटों को जब आप चेक करेंगे तो दोनों पॉइंटों को चेक करने पर बीप मिलेगा। जैसे अगर आप इसमें पीसीबी में बात करेंगे तो पीसीबी के अंदर ये दोनों पॉइंट दिए हुए, इसमें बीप आएगी। इसमें ये दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे, ये दोनों पॉइंटों को चेक करेंगे। ये वाला जो छोटे छोटे वाले लगे होते हैं ये तुम्हारे ईयर स्पीकर होते हैं, ये जो बड़े बड़े वाले साइज़ के लगे होते हैं ये तुम्हारे रिंगर होते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि आपके मोबाइल फ़ोन में आवाज़ नहीं आती, गाने नहीं बजते, या बात नहीं हो पाती, वॉइस कॉलिंग, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है। स्पीकर की प्रॉब्लम को ठीक करने का मार्केट में 150, 200, 300 रुपये तक लिया जाता है, डिपेंड ऑन फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या रहता है कि ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं बना जिस मोबाइल फ़ोन में स्पीकर रिंगर ना हो। स्पीकर रिंगर की कॉमन टेस्टिंग है, आप उससे पहले ख़राब हो जाता है तो साफ सूफ करके सही हो जाता है, अगर नहीं सही होता तो आप उसको चेक करेंगे, चेक करने पर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बोर्ड के ऊपर चेक करके दिखाता हूँ कि इसको मदरबोर्ड में चेक कैसे करेंगे। अब मैं आपको पीसी में दिखाता हूँ कि इसको स्पीकर को चेक कैसे करेंगे। स्पीकर को चेक करने के लिए, जैसे मेरे पास स्पीकर को चेक करने के लिए जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आप बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करने के बाद जब आप चेक करेंगे, चेक करने पर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है। ठीक है, इसको हम टेस्टिंग करेंगे, बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है, ये इसका टेस्टिंग होता है। उसके बाद ये रिंगर लगा हुआ है, इसको जब आप चेक करेंगे तो चेक करने पर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है, ये इसका चेक करने का तरीका है। जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे मोबाइल फ़ोन में स्पीकर लगा होता है, ये स्पीकर लगा हुआ है, इसका टेस्टिंग है। अगर चेक करेंगे तो बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है, ये इसको चेक करने का तरीका है। तो सारे मोबाइल फ़ोन में स्पीकर लगा होता है, अगर ये ख़राब हो जाएगा तो हम लोग इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। प्लेट में बात करेंगे तो जैसे प्लेट में ऊपर साइड लगा होता है तो यहाँ पर स्पीकर लगा होता है, जब आप इसको ऐसे पैक करते हैं तो पैक करने पर यहाँ टच हो जाता है, तो आप इसकी टेस्टिंग होती है, बीप देगा तो सही है, इसको चेक करेंगे, बीप देगा तो सही है। तो इस तरीके से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे स्पीकर आते हैं वो सारे स्पीकर को हम लोग वन बाई वन करके चेक करते हैं।
तो आज मैंने आपको मल्टीमीटर से स्पीकर को चेक करना सिखाया है कि स्पीकर बीप देगा तो सही है, बीप नहीं देगा तो खराब है, फटी फटी आवाज़ देगा तब भी खराब है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि इसके दोनों पॉइंटों पर बीप आनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इससे खराब हो जाएगा तो बात नहीं होगी, कम आवाज़ आएगी, ऐसी बहुत सारी अनगिनत प्रॉब्लम आएगी। तो स्पीकर ख़राब हो जाएगा तो उसको चेक करो, साफ सुफ करो, नहीं सही होता नया डाल दो, नया मार्केट में मिल जाता है, आप आसानी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया हुआ है वो स्पीकर रिंगर के बारे में सिखाया कि स्पीकर रिंगर हमारे मोबाइल फ़ोन में कैसे काम करता है, उसको काम करने का तरीका क्या होता है, उसको टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने स्पीकर रिंगर के बारे में सीखा हुआ है, स्पीकर रिंगर को चेक करने का तरीका सिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ ये बेसिक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के वीडियो हैं जिसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सारे पार्ट्स कंपोनेंट जो भी सारी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कल का दिन है, कल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारे पास एक बिहार के रहने वाले हैं, उनका सनी नाम है और उन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है। इससे पहले मेरे पास ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक दो दिन कहीं क्लास लेकर के देखा, क्लास लेने के बाद फिर जब उनको कोई प्रॉब्लम आई, कोई डाउट्स आए, कोई दिक्कत आए, उनको समझ में नहीं आया, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के प्रॉब्लम लगा, तो फिर वो ट्रेनिंग सेंटर में आए और मिले। उन्होंने बताया कि सर मैं आपकी वीडियो के माध्यम से बेसिक हैं, कंपोनेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इतना मैंने अच्छे से समझा है, अच्छा सीखा हुआ है, उसके बाद मैं जब कहीं सीखने के लिए गया तो मुझे वहाँ पर सीखने में मज़ा नहीं आया। मुझे जो सब सिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं सिखा रहे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मुझे तरीका अच्छा नहीं लगा। और आपने जो वीडियो के माध्यम से जब इतना अच्छा सब कुछ बता रखा है तो उतना तो मुझे क्लास में भी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है और कल अब उन्होंने क्लास करी, आज पूरा दिन क्लास करी, क्लास करने के बाद फिर उन्होंने अपना टोटल पेमेंट डिपॉजिट कराया और ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया। तो अब से उनका पूरा कोर्स कंटिन्यू चालू हो गया है। और इस बात का मैं कहने चाहता हूँ कि जितने भी सारे हमारे पास जो दोस्त लोग आते हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, तो इस बात का आप ज़रूर विश्वास रखेंगे कि आप आएंगे तो मेरे पास 100% तरीके से आप सीख करके ही जाएंगे। ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन है दुनिया जान में जो आपसे रिपेयर ना हो, बिल्कुल। अगर आपने कभी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में कभी काम नहीं किया है, कभी पीसीबी में वर्किंग नहीं करी है, कभी मोबाइल फ़ोन में रिपेयरिंग नहीं किया है, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने आज तक जनसेवा केंद्र का काम करता था और आधार कार्ड है, प्रिंटिंग है, पैन कार्ड है, आय जात निवास है, ये सब चीज़ का काम करता था और बिहार में खगड़िया के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मैं वहाँ काम करता था, मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं ठीक होते थे और मोबाइल फ़ोन जब कोई कस्टमर दे जाता था तो मैं उसको ले लेता था, कहीं दूसरी जगह ठीक करा कर दे देता था। लेकिन बाद में जब आपकी वीडियो के माध्यम से देखा कि कैसे मोबाइल फ़ोन में लॉक खोलें, ऐसा कुछ मैंने जब वीडियो में सर्च किया तो आपका वीडियो मिल गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके माध्यम से दो चार मोबाइल फ़ोन भी ठीक किया, तो मुझे लगा कि नहीं मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख सकता हूँ। लेकिन हमारा एक दोस्त था, हमारा एक फ्रेंड था, तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि चलो हमको भी सीखना है, तो वो कहीं और से जुड़ा हुआ था, वहाँ भी बात हो रही, तो हमको वहाँ पर ले गया, वहाँ पर हमको समझ में नहीं आया, उसने तो अपना एडमिशन करा लिया लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं फिर वापस सर आपके पास आया और आप चाहता हूँ कि सर मैं आप ही से सब चीज़ों को सीख करके बढ़िया तरीके से काम कर सकूँ। और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि आप पहली बात बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे और ऐसा कोई मोबाइल फ़ोन नहीं जो आपको रिपेयर करना ना सिखाया जाए। ये ट्रेनिंग सेंटर में सबसे बेहतर और अच्छा सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये मिलता है कि ट्रेनिंग सेंटर कानपुर के अंदर सागर मार्केट में पड़ता है। कानपुर के छोड़ा अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन की अगर कोई मार्केट की बात करते हैं तो सागर मार्केट है। कानपुर में अगर कहीं भी कोई दूर दूर आदमी अगर रहने वाला है, कल्याणपुर का रहने वाला है, नौबस्ता का रहने वाला है, उन्नाव का रहने वाला है, अकबरपुर का रहने वाला है, काकादेव का रहने वाला, कहीं दुनिया जान का कोई भी आदमी कहीं भी रहने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर उसको मोबाइल फ़ोन का कोई भी सामान चाहिए तो उसको सागर मार्केट ही आना पड़ता है। अगर उसके मोबाइल फ़ोन में कोई काम्बो ख़राब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, जब नहीं ठीक होता तो अंततः वो मार्केट ही आते हैं। तो मार्केट आने का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये मिलता है कि यहाँ पर हमको सारी सुविधाएं होती हैं, सारे टूल्स होते हैं, सारे मशीनें होती हैं, सारे इक्विपमेंट्स होती हैं। कल को कोई मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो उसको ठीक करना है, तुरंत खोला मार्केट गया, बाकी सामान लिया, लगा दिया, ठीक हो गया। कहीं दूर हैं तो हम उस चीज़ के लिए बैठे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया जान में या बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने कह रखा है, अगर कोई काम अगर आपको अच्छा करना है या किसी काम को बहुत अच्छा सीखना है तो आप उसके गढ़ में जाके सीखो। गढ़ में जाके सीखने का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह सीखो जहाँ पर सिर्फ यही काम होता हो,
मोबाइल फोन के अलावा कोई दूसरा काम ही ना होता हो। अगर आप ऐसी जगह जाते हैं तो सोते जाते उठते बैठते खाना पीना खाते देखते सब कुछ करते, सिर्फ आपको एक ही चीज दिखाई देती है, मोबाइल फोन मोबाइल फोन मोबाइल फोन। तो आप जब उन चीजों को 10 चीजें तो क्लास में सीखते हैं और 10 चीजें तो बाहर देख देख के सीख जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ बात कि आपको कानपुर में और ट्रेनिंग सेंटर में सागर मार्केट में सीखने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मिलता है कि आपको चालू मोबाइल फोन में काम करने का मौका मिलता है। वरना दुनिया जान में ऐसा कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं जो इतने सारे मोबाइल फोन को इकट्ठा करे और आपसे मोबाइल फोन सुधरवाए, फिर मोबाइल फोन खराब करे, फिर सुधारे। अगर आपने उसका दो भी मोबाइल फोन भी डेड कर दिया ना, तो आपने उसको जो 15,000-20,000 रुपए जो दिए आपने, तो उसका तो पानी में डूबा दिया, कोई नहीं देने वाला। लेकिन हम लोग भी नहीं देते, ऐसा नहीं कहते कि मैं आपको चालू मोबाइल फोन मेरे पास रखे हैं मैं दूंगा। मेरे पास सर मार्केट से मोबाइल फोन बनने के लिए आते हैं, तो जब वो स्टूडेंट्स लोग उसको मोबाइल फोन को बनाते हैं उसको ठीक करते हैं तो उनको सीखने को मिलता है। दूसरी बात कि किसी कस्टमर का भी मोबाइल फोन रिपेयर होता है, फ्री में मोबाइल फोन ठीक होता है, उनका हम लोग पैसा नहीं लेते और ऐसे ही मोबाइल फोन को रिपेयर करके हम लोग दे देते हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है सिखाने में, हमारे स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है सिखाने में। लेकिन ये सारी बातें तो तभी हो सकती है ना कि जब हमारे पास मोबाइल फोन हो। रिपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? मोबाइल फोन। अगर हमारे पास मोबाइल फोन ही नहीं होगा रिपेयर करने के लिए, तो ये सारी बातें कैसे लागू होंगी? तो इसलिए आज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे पास मोबाइल फोन आया था, ये मार्केट से मोबाइल फोन था, इस मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम थी कि ये मोबाइल फोन लोगों पर खड़ा था, ऑन नहीं हो रहा था, कई जगह से फ्लैशिंग भी हो चुका था, उसके बावजूद भी मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा था। तो उस कंडीशन पर हम लोगों ने इस मोबाइल फोन के MMC को प्रोग्राम किया। प्रोग्राम करने के बाद पूरे मोबाइल फ़ोन को ऑन किया, फर्स्ट क्लास मोबाइल फ़ोन चलने लगा। और रही बात पैसे की, तो अगर इस मोबाइल फ़ोन का MMC प्रोग्राम करने की बात करेंगे तो 600 रुपए से लेकर के 800 रुपए तक लिया जाता है, लेकिन हम लोग कोई पैसा नहीं लेंगे। क्यों पैसा नहीं लेंगे? क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हमारे स्टूडेंट ने रिपेयर किया है, हमारे स्टूडेंट ने उसको बनाया है, IC को निकाला है, रिवॉल्व किया है, प्रोग्राम किया है। तो जब उन लोगों ने मोबाइल फ़ोन को ठीक किया तो मैंने तो मेहनत नहीं करी, हमारे बच्चे लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको सीखने का मौका मिल रहा है। वरना ऐसा कौन आदमी होगा, जो कौन दुनिया जान में कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा जो आपको आदमी मोबाइल फ़ोन दे देगा, कहेगा भैया ये मोबाइल फ़ोन ले जाओ, इस मोबाइल फ़ोन में IC निकाल करके उसको प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर करके हमको दे जाना। ऐसा कोई आदमी नहीं। ऐसा यहाँ पर क्यों संभव है? इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर दुनिया जान का सारा आदमी, अगर घर में आदमी किसी का मोबाइल फोन खराब हो गया, कहीं नहीं ठीक हो रहा, तो मुंह उठा के यही कहता भैया चलो सागर मार्केट चलो, वहीं मोबाइल फ़ोन ठीक होगा। लोग यहाँ पर झोला भर भर के मोबाइल फ़ोन लाते हैं ठीक कराने के लिए, और हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे स्टूडेंट लोग हैं, वो मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं। उनको बनाते हैं तो तीन फायदे। एक तो पहला फ़ायदा हमारे स्टूडेंट का, जो उसको सीखने को मिलता है, जो उतना दूर से दिल्ली मुंबई कलकत्ता बिहार झारखंड असम सब जगह से छोड़ करके हमारे पास सीखने के लिए आया है। दूसरा फ़ायदा, जो लोग ठीक कराने के लिए आते हैं तो उनका पैसा नहीं लगता, फ्री में मोबाइल फ़ोन ठीक होता है। तीसरा, हमको सिखाने में मदद मिलती है, क्योंकि हम आपको तभी सिखा सकते हैं जब हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो सके। तो आज की वीडियो को लंबा ना करते हुए हमने आपको स्पीकर रिंगर के बारे में आपको समझाया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 6391711711, 6391211211। इसमें से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, दिन में कभी भी आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, क्लास करते हुए देख सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं, 10-15 मिनट खड़े होकर के आप ये देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये हम आपको कैसे सिखा रहे हैं, बच्चे लोग कैसे सीख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। फिर आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करिए। और ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने से पहले इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कम से कम आप 10-15-20 वीडियो को जरूर देखें। जब आप 10-15-20 वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट हो जाएं, आपको समझ में आए कि नहीं हमको राघवेंद्र सर से सीखना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल मोस्ट वेलकम करता हूं, आप आए सीखें। और इस बात का वादा करता हूं कि आप पूरा कंप्लीट तरीके से सीख के ही जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कोई प्रॉब्लम आए तो मैसेज करें। वीडियो में बने रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।